बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा पिछले कई महीनों से खूब चर्चे में है। पहले वो अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को लेकर बॉलीवुड से दूर होती गई। इसके बाद वो हॉलीवुड स्टार सिंगर निक जोनस के साथ डेटिंग करती हुई नजर आई। फिर उन्होंने लास्ट मोमेंट पर सलमान खान की प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट भारत छोड़ दी, जिसके चर्चे सबसे ज्यादा हुए। हैरानी तो और भी हुई जब उन्होंने संजय लीला बंसाली की मूवी गंगूबाई कोठेवाली से खुद को अलग कर लिया। आखिर सबके कंफ्यूजन्स को खत्म करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस के साथ एंगेजमेंट कर ली। अब एक बार फिर वो चर्चे में है। वजह है उनका लेटेस्ट ट्वीट, जिसमें उन्होंने पहली बार ये रिवील किया है कि उन्हें अस्थमा यानी दमा की बीमारी है और वो बरसों से इस बीमारी से जूझ रही हैं। उनकी हिम्मत, लगन और पैशन ने कभी इस बीमारी को उन पर हावी नहीं होने दिया और जब तक उनका इनहेलर उनके साथ है वो बेरोक जिंदगी जी सकती है। दरअसल ये ट्वीट उन्होंने एक इनहेलर के एड कैंपेन के सिलसिले में दिया है, मगर उन्होंने साफ लिखा है कि उन्हें सच में दमा की बीमारी है और मेरे सब करीबी लोग इस बीमारी के बारे में जानते हैं और इसे छुपाने वाली कोई बात भी नहीं है। हमें ये जानकर बेहद प्राउड फील हो रहा है कि अपने करियर की इतनी बुलंदी पर पहुंचने वाली एक हिम्मत वाली लड़की ने कभी ऑडियंस को ये एहसास भी नहीं होने दिया कि वो अस्थमा की मरीज है। हेड्स ऑफ टू यू प्रियंका चोपड़ा, आप इस बीमारी से जूझ रहे सभी मरीजों के लिए एक इंस्पिरेशन हो। हमारी दुआ है कि भगवान आपको बहुत लंबी और बेरोग जिंदगी दे।